स्लैशर मूवी पार्ट 24। दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे कि स्लैशर मूवीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी कितने सारे वीडियो बना लिया है इस चैनल पर। यानी कि अगर आप स्लैशर मूवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं तो इस चैनल पर आपको बहुत सारे स्लैशर मूवी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं स्लैशर मूवी पार्ट 25। नंबर 7 पर है द वेल। दोस्तों ये पूरी की पूरी मूवी स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि स्लैशर और थ्रिलर और एक्शन मूवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये तीनों ही चीज इस मूवी में भरपूर डाली गई है। मूवी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे दोस्तों से जो कि घूमने के लिए जाते हैं और वहां पर जाते ही उनका सामना कुछ खतरनाक लोगों से होता है और ये खतरनाक लोग उन्हें मारकर कुएं में फेंक रहे होते हैं। लेकिन असल में ये खतरनाक लोग कहां से आते हैं और लास्ट तक इन खतरनाक लोगों के हाथों से कौन कौन सर्वाइव करता है, ये सारी की सारी चीजें आप इस मूवी में वाले हैं। मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर। नंबर 6 पर है रोड किल। इसे रिलीज की गई थी 2011 में। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे दोस्तों से जो कि रोड ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन अचानक से ही एक सुनसान जगह पर कुछ क्रिएचर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और लास्ट तक ये सभी दोस्त अपने आप को उन क्रिएचर्स के हाथों से किस तरह सर्वाइव करते हैं ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। मूवी की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। मूवी में आप एक्शन और थ्रिलर दोनों ही चीजें एंजॉय करने वाले होते हैं। इसे हिंदी में रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.1। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर। नंबर 5 पर है द स्ट्रेंजर चैप्टर 1। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे कपल से जो कि एक छोटे से गांव में जाती है, लेकिन वहां पर जाते ही वहां पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उन्हें बंदी बना लेते हैं और उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह कपल अपने आप को उन सभी स्ट्रेंजर्स के हाथ से किस तरह सर्वाइव करती है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। मूवी में हल्की फुल्की सेक्सुअल एक्टिविटी भी ऐड की है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.1। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर। नंबर 4 पर है डार्क नेचर। मूवी बेस्ड है सर्वाइवल एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है दो ऐसे लड़कियों से जो कि जंगल में घूमने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर जाते ही उनका सामना कुछ खतरनाक क्रिएचर से होता है और लास्ट तक ये दोनों ही लड़की अपने आप को उस जंगल से किस तरह सर्वाइव करती है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 4.1। नंबर 3 पर है एबागेल। दोस्तों आप अगर हॉरर और एक्शन मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए एकदम ही परफेक्ट है। मूवी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे चोरों से जिन्हें एक वैम्पायर के साथ बंदी बनाकर रख दिया जाता है और यहीं से शुरुआत होती है उन सभी चोरों की सर्वाइवल एक्टिविटी। वो वैम्पायर इन सभी चोरों को एक एक कर मार रहा होता है और लास्ट तक उस वैम्पायर के हाथ से कौन कौन चोर बचकर बाहर निकलता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी में आप अच्छा खासा एक्शन और अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। मूवी बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, इसलिए इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.6। इसे जियो सिनेमा पर रिलीज की गई है। नंबर 2 पर है एलिवेटर गेम। दोस्तों ये पूरी की पूरी मूवी स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी जो कि एक्शन थ्रिलर मूवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे बिल्डिंग से या फिर आप ये भी कह सकते हैं एक ऐसे एलिवेटर से जिसमें एक खतरनाक गेम खेला जाता है, यानी कि एक जानलेवा एलिवेटर जो कि लोगों को मार रहा होता है। लेकिन असल में इस एलिवेटर के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी में आप अच्छा खासा एक्शन एंजॉय करने वाले होते हैं। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.1। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर। नंबर 1 पर है 407 डार्क फ्लाइट। दोस्तों ये मूवी स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी जो कि एक्शन और हॉरर मूवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे फ्लाइट से जहां पर अचानक से ही कुछ खतरनाक क्रिएचर्स आ जाते हैं और ये सभी क्रिएचर सभी फ्लाइट के पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देते हैं और लास्ट तक इस फ्लाइट से कौन कौन सर्वाइव करता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। मूवी की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा क्लीन है, इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.6। इसे जियो सिनेमा पर रिलीज की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।